पर अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट देख लो मैंने चैनल पे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट लिस्ट बना दिया और बहुत सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है इफ थ्री कॉट ए इक्वल्स टू फोर चेक द वेदर वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट तो हमें ये देखना है कि ये हमें गिवन है इसको हमें क्या करना है हमें प्रूफ करना है हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में हमें गिवन क्या है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं गिवन वह हमारा थ्री कॉट इक्वल्स टू फोर थ्री कॉट ए अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये थ्री यहाँ मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड में चले जाएगा अब पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं ठीक है ये कॉट ए है तो हमारा क्या होता है बेस अपॉन मे तो बेस हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा थ्री के क्योंकि ए बी सी ठीक है अब यूजिंग पाइथागोरस ये एक्सरसाइज में ये बात है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम इतनी अच्छी तरह याद हो गई होगी कि अब आप, आप ये भूल नहीं सकते एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है एच स्क्वायर हमें निकालना है पी हमें थ्री के स्क्वायर दे रखा है ये हमें फोर के स्क्वायर दे रखा है थ्री का क्या होता है थ्री थ्री जे नाइन फोर फोर जा सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा फाइव के एच एच स्क्वायर स्क्वायर ठीक है अब ये एच यहाँ जाएगा इससे कट जाएगा तो एच की वैल्यू हमारी क्या जाएगी? आ जाएगी फाइव के आ जाएगी ठीक है ये आ गई हमारी फाइव के अब हमें क्या निकालना है अब हमें वो प्रूफ करना है मतलब शो करना है एक तरीके से कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये हमें प्रूफ करना है ठीक है तो ये है हमारा मेन ऑब्चेकल अब सबसे पहले हम टेकिंग ये वाली साइड उठाएंगे एल को उठाएंगे और यहां लिखेंगे वन माइनस टेन स्क्वायर ए वन प्लस टेन स्कूल टेन का फॉर्मूला क्या होता है पापा यहां पे लिख देता हूं ताकि ना हमेशा दिखते रहे b होता है पी क्या है हमारे यहां पे थ्री के और फोर के हमारा क्या है बी का स्क्वायर अब यहां लिख देंगे वन प्लस थ्री के फोर के स्क्वायर ठीक है वन माइनस नाइन के स्क्वायर सिक्सटीन के स्क्वायर वन प्लस नाइन के स्क्वायर सिक्सटीन के स्क्वायर अब इसको यहाँ पे लिख दूँ यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा ठीक है अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो के यहीं पे पहले के से के कट जाएगा के से के कट जाएगा अब इसका एल्सीयम लेंगे तो वन माइनस नाइन सिक्सटीन और वन प्लस नाइन सिक्सटीन का एल्सीयम लेंगे ठीक है तो वो आ जाएगा हमारा सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस नाइन सिक्सटीन प्लस नाइन सिक्सटीन ठीक है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपनी आंसर तो क्या आ रहा है 25, अब हम उठाएंगे ये वाली साइड को मतलब कि आर एच एस को टेकिंग आर एच एस वो क्या था हमारा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है ठीक है कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम कॉस मतलब बी एच बी हमारा क्या है बी हमारा फोर मतलब के और फाइव के हमारा एच ठीक है इसका स्क्वायर माइनस साइन मतलब थ्री के और फाइव के पी एच ठीक है सिक्सटीन के स्क्वायर ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर माइनस नाइन के स्क्वायर और ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर के स्क्वायर से पहले इसको ही सॉल्व कर लेते तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेवन के स्क्वायर और ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर क्योंकि ये दोनों में नीचे कॉमन है ठीक है तो ये पूरा कट जाएगा और ये भी आ जाएगा सेवन ट्वेंटी फाइव तो सेवन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू सेवन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव दोनों साइड यही आ रही है मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड ठीक है तो ये हमने प्रूफ कर दिया आप बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ क्वेश्चन इन ट्रगल ए बी सी राइट एंगल ट्रांगल एट बी इफ ए इक्वल्स टू बीन एक्वल रूट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड की तो ये बोल रहा है कि एक ट्रैंगल दिया है हमें दिया हमें दिया है राइट एंगल बन रहा है और बी पे हमारा राइट एंगल बन रहा है ए और सी हमने इसे मान लिया वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है टेन ए का फॉर्मूला होता है पी बी पी और बी ठीक है अब टू हम इसकी वैल्यू देखो आप मेरे को टू कैसे पता है ये नहीं कि मेरे को मैंने कहीं लिख रखा है कि मेरे को टू याद आ जाएगा ये होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट इनको आप एक बार याद कर लोगे ना तो मतलब बार बार प्रैक्टिस से ही अपने आप याद हो जाते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा पी बी के बराबर अब हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये टू तो निकालना पड़ेगा ना हमें बताना तो पड़ेगा ना कि कैसे निकाला हमने अब वो तो याद तो अलग बात होती है मैथ्स में तो प्रैक्टिकल चाहिए होता है एच मतलब वन का स्क्वायर पी मतलब वन बाय नहीं सॉरी एच तो निकालना है पी मतलब वन का स्क्वायर और रूट थ्री का स्क्वायर आज वन प्लस थ्री वन में फोर एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी टू नहीं आ जाएगी ठीक है अब बढ़ते है हमारे क्वेश्चन की तरफ ये तो सिर्फ ऐसी था डैम अब हमें दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है अब देखो ये दोनों अगर आपको चिपके चिपके मिल रहे हैं ना तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ठीक है थीके? अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो साइन ए को हम क्या लिखते हैं मतलब two, two, इसको भी हम वही लिखते हैं को थ्री टू और ये भी आ जाएगा अभी आपको अपने आप सोच रहे हैं कि ये आया कैसे क्योंकि ये साइन ए है साइन ए पे हमारा क्या है पी वन है और एच टू है और कॉस सी ये कॉस सी बोला है सी तो सी एंगल पे हमारा पी क्या बन रहा है कॉस सी पे हमारा बी बन रहा है वन और एच बन रहा है टू ठीक है और कॉस ए पे हमारा रूट थ्री बन रहा है क्या बी और कॉस ए पे हमारा टू बन रहा है एच बन रहा है क्या और पे हमारा बन रहा है टू अब इनको सॉल्व करेंगे तो वन वन फोर प्लस थ्री प्लस फोर याद आएगा हमारा फोर फोर और आ जाएगा वन ठीक है हमारा 1. ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था अब दूसरा पार्ट देखें कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी ठीक है इसको करेंगे हम देखो यहाँ पे आ जाएगा रूट थ्री अपॉइंट में टू वन अपॉइंट में टू माइनस वन अपॉइंट में टू और ये थ्री अपॉइंट में टू अब मैंने आपको ये तो बता दिया ना कैसे आया ये वाला आप खुद सोचो कि ये आया कैसे अगर नहीं समझ आएगा मैं आपको वीडियो को रिवाइंड करके ये दोबारा देखो ठीक है ये भी एक सेम ही है डिफरेंट थोड़ी है तो ये रूट थ्री आ जाएगा और नीचे आ जाएगा फोर और यहाँ पे भी रूट थ्री और फोर

तो यहाँ पे हमें क्यू की वैल्यू दी गई है जो है हमारा पांच सेंटीमीटर अब इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है ठीक है तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है गिवन है हमें तो यहाँ पे हमें पी आर की वैल्यू पी आर प्लस क्यू आर की तो इसका हमें सम दे रखा है वो है हमारा क्या ट्वेंटी फाइव अब अगर मेरे को ये दिया है तो मैं यहाँ पे पी आर की वैल्यू निकाल लूंगा जो देगी ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू आर ठीक है अब इसका भी हमें जरूरत है तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा होता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वो इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर पी मतलब क्यू आर का स्क्वायर और बी मतलब पी क्यू का स्क्वायर तो ये दिया है हमें फाइव सेंटीमीटर फाइव का स्क्वायर ये हमें क्यू स्क्वायर दिया है, और ये भी कितना दिया है ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर अभी आपको फॉर्मूला नहीं लग रहा किसी चीज़ का फॉर्मूला लग रहा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे जो होता है ए स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी ठीक है तो ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर माइनस क्यू आर का प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस तो यहाँ पे मैंने इस स्टेप को खुल के लिख दिया टू ए और बी फिर ये तो ऐसी आ जाएगा ये हो जाएगा सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर ये हो जाएगा फिफ्टी क्यू आर अब क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा प्लस ट्वेंटी फाइव रहेगा इससे ये कट जाएगा ठीक है ये यहाँ पे प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा कट जाएगा सिक्सटी फाइव ये माइनस का है वो प्लस का यहाँ के माइनस का ये माइनस का है वहाँ जाके प्लस का तो ये हो जाएगा छः सौ पचास क्यू आर छः सौ मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएगा पचास क्यू आर ये आ जाएगा बारह क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी बारह तो बारह आ गई क्यू आर की वैल्यू मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आ गई है बारह सेंटीमीटर अब मैंने एक चीज़ लेट करी थी कि पी आर इक्ल्स टू माइनस टू क्यू आर ठीक है तो पी आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी थर्टीन आ जाएगी ठीक है अब हमें किन की वैल्यू निकालनी है अब हमें निकालनी है सबसे पहले साइन पी की वैल्यू फिर कॉस पी की वैल्यू फिर निकालनी है टेन पी की वैल्यू तो वो होता है पी एच ये होता है बी एच और ये होता है पी बी ये हो जाएगी ट्वेल्व बाई थर्टीन ये हो जाएगी फाइव बाई थर्टीन और ये हो जाएगी ट्वेल्व बाई फाइव ठीक है तो ये क्वेश्चन होता है यहीं पे खत्म अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को करना सब्सक्राइब अगले पार्ट के लिए और अगली वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे एट और क्वेश्चन नंबर इलेवन है आपका होमवर्क तब तक टेक कर ऑफ योर एंड योर फैमिली बाय